नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री ने न्यायपूर्ण शासन की बात, देश के विकास का संकल्प दोहराया, लेकिन विपक्ष ने सेंगोल यानी राजदंड को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने जिस सेंगोल को लोकसभा में निष्पक्षता के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया, विपक्ष ने उसे राजतंत्र की पहचान बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए। यानी ये भूत के अंधेरे में ले जा रहे हैं नए भारत को, जबकि देश के लोग चाहते हैं नया भारत बने आपके भविष्य के उजाले में। मोदी जी ले जा रहे हैं देश को भूत के अंधेरे में। सिंगोल राजदंड का स्थापित किया जाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का न लोकतंत्र में विश्वास है, न जनता पर विश्वास है, इसीलिए राजतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। कहते हैं कि प्रमाण से युद्ध के परिणाम भी बदले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी फॉर्मूले पर अमल किया और विपक्ष के सेंगोल विरोध की पूरी सियासी बाजी पलट दी। मोदी विरोधी कैंप जिस सेंगोल यानी राजदंड को राजतंत्र का प्रतीक और दकियानूसी सोच की उपज बता रहा था, जिस सेंगोल को लोकतंत्र विरोधी साबित करने में कई दिनों से पसीना बहा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के एक साष्टांग दंडवत ने उसी सेंगोल को देश की आध्यात्मिकता, गौरवशाली अतीत और सुनहरे भविष्य से जोड़कर 140 करोड़ देशवासियों के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का पावन प्रतीक बना दिया। प्रधानमंत्री ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद सेंगोल को नमन किया, तमिलनाडु से आए अधिनम संतों के हाथों उसे ग्रहण किया और नए संसद भवन में बनी लोकसभा के उस हिस्से में पहुंचे जहां अध्यक्ष का आसन है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री ने सेंगोल को पूर्व निर्धारित स्थान पर स्थापित कर दिया और कल तक जो सेंगोल इतिहास का किस्सा था वो वर्तमान का हिस्सा बन गया। लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने सेंगोल की मान मर्यादा लौटाने की बात की, किसी सियासी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। तिलमिलाई कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ एक लाइन का ट्वीट कर दिया, लिखा कितनी भी कोशिश कर लो, कांग्रेस का निशाना प्रधानमंत्री मोदी थे। बीजेपी ने भी तुरंत जवाब दिया, लिखा नेहरू का सच। ये अचानक नहीं हुआ। 24 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुनिया को पहली बार सेंगोल का सच बताया था। तभी से ये मुद्दा कांग्रेस को शूल बनकर चुभ रहा था। उसकी ये टीस और बढ़ गई जब प्रधानमंत्री ने 27 मई को तमिल संतों को संबोधित करते हुए एक बार फिर उसका जिक्र कर दिया। ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री ने सेंगोल का प्रयागराज प्रसंग छेड़ा तो कांग्रेस को बीजेपी के बीते 9 साल के शासन में तानाशाही दिखने लगी। इसके साथ ही मोदी विरोध के नाम पर बाकी पार्टियां भी उठ खड़ी हुई। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को नई संसद में सेंगोल की स्थापना संविधान से खिलवाड़ दिखाई देने लगी। सेंगोल के साथ जुड़ी हुई कल्पना है कि वो व्यवस्था होगी नए भारत में जहां पर एक राजा होगा और एक प्रजा, ना कि
जैसे हमारे संविधान कहता है, एक देश है और उसका नागरिक, और हर नागरिक को उसके अवकाश और उसके अधिकार बराबर के हैं। यानी उसको बदलकर पुरानी वही सामंतवादी तानाशाही व्यवस्था जो राजा महाराजाओं की थी, उस तरीके की नए भारत का निर्माण कर रहा है। मोर ओवर दिस स्ट्रक्चर इफ दे ब्रॉट और ब्रिंग दिस ईयर ओनली व्हाट हैपेंड टू रिमेनिंग 9 years दैट रूल इज अंडर स्ट्रक्चर और नॉट देन 1 year रूल मीन्स वॉट इट इज अ सेंगोल रिजिम और कोडुंगोल रिजिम ऑटोक्रेसी रिजिम सो पीपल आर आस्किंग दिस थिंग। बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को एक ही झटके में समेट दिया। कांग्रेस पार्टी को जो भी देश में अच्छा होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इतना बढ़िया काम हुआ है तो इसमें भी वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सिली पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जयराम रमेश ने वो संगोली के बारे में भी झूठ बोला, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र का मंदिर है और आज के जरूरत के आवश्यकता के अनुसार ये निर्माण हुआ है, लेकिन जिस मंदिर को ऐसे अपशब्दों से बात कर रहे लोग उनको ठीक तरह से उत्तर दे। बीजेपी ने जवाब बेशक दे दिया, लेकिन इस जुबानी जंग पर फुल स्टॉप के आसार नजर नहीं आते, क्योंकि सेंगोल के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं, और बीजेपी ये मुद्दा अभी लोगों के जहन से उतरने नहीं देगी। इसीलिए सेंगोल पर सियासत अभी ठंडी नहीं पड़ने वाली। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।